बात चल रही थी सेल वॉल की, तो मैंने आपसे कहा सेल वॉल एक आउटर, एक रिजिड स्ट्रक्चर का है जो कहां मिलता है, बैक्टीरियल सेल में, फंगल सेल में और प्लांट सेल में। बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन से मटेरियल की बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। फंगस की सेल वॉल किस मटेरियल की बनी होती है? काइटिन। और प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? बात समझ आ रही है? मैंने कहा बैक्टीरिया, ये सेल वॉल एक आउटर, एक मजबूत स्ट्रक्चर है जो इन सेल्स को बचाता है। अच्छा इधर देखो, फिर दोबारा से एक बात की तरफ मैं याद दिला रहा हूं, अगर आपने एक बीकर के अंदर एक प्लांट सेल को डाला और ये सॉल्यूशन कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? यहां से बाहर पानी जो है अंदर की तरफ मूव करेगा। जब तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सेल फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, लेकिन हटेगा नहीं, बस नहीं होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये सेल वॉल जो है उसको उसके प्रेशर को झेलने की में मदद करती है और फटने नहीं देती। अगर एनिमल सेल होता तो जरूर फट जाता। तो इसलिए एक प्लांट सेल सेल वॉल का फंक्शन है, इट प्रिवेंट द बर्स्टिंग ऑफ प्लांट सेल फ्रॉम बाय व्हेन इट इज प्लेस इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने पे प्लांट सेल को बर्स्ट होने से बचाने का काम कौन करता है? समझ आती है? रिजिड स्ट्रक्चर है, यहां पर इसका मेन काम मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना है, मजबूती देना है सेल को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम किसका है? सेल वॉल। बच्चों समझ आ गया? अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हम ऑर्गेनेल की तरफ आ रहे हैं। अब ये होने के बाद हम अंदर सेल के अंदर, अभी तब सेल के हम बाहर 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 घूम रहे थे, अब हम सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं। अब सेल के अंदर एंटर होने के बाद एक ऑर्गेनेल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। सुनो ध्यान से, लिखना नहीं है नोट्स में आपको, मैं अभी आपको नोट्स इसलिए नहीं डिक्टेट कर रहा हूं कि वो पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आई विल बी डिक्टेटिंग द नोट्स, राइट? देखना, समझे? ध्यान दीजिए। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसके बाद इसको कहते हैं क्या? इनर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो फोल्ड है उसका नाम होता है क्या कहते हैं? इसका नाम है क्रिस्टी, और इसके अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड अंदर भरा होता है, उसका नाम क्या होता है बेटा? क्या होता है? मैट्रिक्स। अंदर जो लिक्विड भरा है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर ये क्या है? क्या है? नेकेड डीएनए। ये नेकेड डीएनए बिल्कुल वैसा ही डीएनए है जैसा बैक्टीरिया में मिलता था, बैक्टीरिया जैसा डीएनए है। और इसके अंदर एक और चीज है, क्या है बच्चों? सेवेंटीएस राइबोसोम। ये सारी चीजें, ये जो ऑर्गेनेल है इसको आम जबान में पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम मसल सेल में इसको एक और कभी कभार नाम दिया जाता है, क्या? क्या कहते हैं? सार्कोसोम। मसल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का एक दूसरा नाम ही है सार्कोसोम। सार्को का मतलब मसल होता है। खैर, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल है, एक मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेल है जिसकी दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसमें फोल्ड होते हैं। ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसका नाम क्या है? क्रिस्टी। ये फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसका नाम क्रिस्टी। इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ, इसका नाम क्या है? मैट्रिक्स है। इसके अंदर देखिए डीएनए है और राइबोसोम है। तो मेरे बच्चों, आपके हर सेल के अंदर, हर सेल, सेल आपको माने यूनिट ऑफ लाइफ,
लाइफ की एक्टिविटीज को सस्टेन करने के लिए जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनको एनर्जी चाहिए, डाइजेशन हो रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए, सर्कुलेशन हो रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए, हर काम के लिए एनर्जी की जरूरत है। तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है बनाने का काम, जनरेट करने का काम, पावर जनरेट करने का काम सेल में कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम। जैसे आपने देखा होगा आपके शहर में हमारे सिटी के अंदर पावर प्लांट होता है, थर्मल पावर प्लांट, जहां बिजली बनती है, बिजली बन के बनाने के बाद वो घरों में ट्रांसमिट होती है। हमारे घरों में तो बिजली जो आ रही है वो पावर प्लांट से आती है। तो पूरे शहर का एक पावर, बड़ा पावर प्लांट होता है जहां बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वो हमारे घरों तक पहुंचती है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हर सेल के अंदर एक पावर, लोकल पावर हाउस दिया है। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। हर काम के लिए एनर्जी। अच्छी बात बताओ, एक वर्ड सुना है एटीपी? एटीपी इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? क्या कहते हैं इसको? जैसे आपके वालिद, आपके पापा, आपकी आमी घर में आपको पॉकेट मनी देती हैं, पॉकेट मनी आपको देते हैं, आपको 100 रुपी का नोट, 50 रुपी का नोट देते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, आप बाजार में जाके उस नोट को, उस करेंसी को देके जो चीज आपको चाहिए वो आप खरीद लेते हैं। तो जिस पैसे आपके पास वो करेंसी नोट है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को किस फॉर्म में जनरेट करता है? एटीपी। जैसे 38 एटीपी बना के रख लिए, सेल को जब जरूरत पड़ी तो उसमें से 2 एटीपी निकाल के उसमें से एनर्जी कैश कर ली। नहीं आई बात समझ? सेल के अंदर जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है तो वो एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, स्टोर कर लेता है किस फॉर्म में? एटीपी। और जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है उस एटीपी को तोड़कर उसमें से एनर्जी कैश कर ली जाती है। जैसे आप करेंसी नोट देकर बाजार से कुछ खरीद लेते हो तो सेल की करेंसी क्या है? बात समझ आ रही है बच्चों को? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। जो कौन से सेल में पाई जाती है बेटा? यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया सेल में नहीं होती, प्रोकैरियोटिक सेल में। जितने भी यूकैरियोट्स हैं, चाहे वो फंगल सेल है, चाहे वो प्लांट सेल है, चाहे वो एनिमल सेल, जितने भी यूकैरियोट, सबके पास ये स्ट्रक्चर होता है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये एनर्जी जनरेट करने का काम करता है। मेरे बच्चों, आपके जिस्म के अंदर एक सेल ऐसा है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बताओ कौन सा है? शाबाश, वेरी गुड। रेड ब्लड सेल। आपकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, एक ऐसा सेल है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, न्यूक्लियस में नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? उसकी वजह यह है, यह आपका आरबीसी है, रेड ब्लड सेल। इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं, इसके अंदर पावर हाउस भी नहीं। आरबीसी के अंदर एक लाल कलर का, एक रेड कलर का पिगमेंट भरा होता है। क्या कहते हैं उसको? एक होता है हीमोग्लोबिन। हम सब का खून का कलर, ब्लड का कलर रेड है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो लाल कलर का पिगमेंट है, इसका काम है गैसेस को, खास तौर पे ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। जो आप सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जाती है और लंग्स से फिर आपके ट्रांसमिट ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है। लंग्स से और ब्लड में ट्रांसफर होती है किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। मतलब हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। इधर देखो, सांस लिया, ऑक्सीजन आपके ब्लड में गई, ब्लड में हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब किया और फिर ये आरबीसी पूरी बॉडी में घूमेगा और आपकी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचा देगा। जरा सोचो, अगर आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो, अगर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस भी हो, जैसे कुछ तो इसके अंदर ही जो ऑर्गेनेल है कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, कुछ जगह तो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे अगर वो ऑर्गेनेल होती तो सेल के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कम हो जाता। अगर हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग करने की जो एबिलिटी है, जो प्रॉपर्टी है, वो कम हो जाएगी। इसलिए नेचर ने इसके अंदर से आरबीसी के अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दिया और न्यूक्लियस भी हटा दिया। अब फिर सवाल वही होता है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और एक आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है 120 डे, 4 महीने, 120 दिन तक जिंदा रहता है आरबीसी। तो इतने दिन तक इसके पास एनर्जी कहां से आएगी, कहां से मिलेगी? तो उसकी एक वजह देखो बेटा, आपकी बॉडी में
एनर्जी पाने का जो प्रोसेस है उसका नाम क्या है? कौन सा प्रोसेस है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर दो मेन स्टेप हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक पहला होता है कौन सा? कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस, जो कहां पर होता है? कहां पर होता है? साइटोप्लाज्म। और दूसरा एक और स्टेप होता है जिसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। ये कहां होता है? कहां पर होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इधर देखो तो इसमें दो एटीपी निकलते हैं, इसके अंदर 36 एटीपी निकलते हैं, 36। देखो सेल, ये तुम्हारा सेल, इसके अंदर ये पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। किसी भी पावर हाउस में से एनर्जी तभी निकलेगी जब उसमें फ्यूल डालोगे। किसी भी पावर हाउस में एनर्जी तब आएगी जब उसमें फ्यूल डालेंगे। जैसे थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल क्या होता है? कोयला होता है। अभी आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले न्यूज में आ रहा था कोयला खत्म होने वाला है, कोयला खत्म होने वाला है, कोल खत्म होने वाला है। अगर कोल खत्म होगा तो पावर शेडिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होने लगेगी। तो जैसे थर्मल पावर प्लांट में कोल होता है फ्यूल, ऐसे हमारे सेल का फ्यूल कौन सा है? हमारे सेल का फ्यूल कौन सा है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज सबसे पहले सेल में जाता है, ये डायरेक्टली पावर हाउस में नहीं जा सकता। इधर देखो सब बचे, अच्छा ये देखो अब नजर आ रहा है, ये आपका सेल, ये सेल है और ये फ्यूल है कौन सा? ग्लूकोज। ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले सेल के अंदर ग्लूकोज जाता है और ये डायरेक्टली पावर हाउस में नहीं जा सकता, इसको पावर हाउस के बाहर तोड़ना जरूरी है, ब्रेक डाउन करना जरूरी है। तो ये जाके टूटता है किसमें? किसमें? एक मॉलिक्यूल है, देखो पढ़ो क्या 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 लिखा है बेटा। बेटा इधर देखो, बुक छोड़ दो, यहां देखो क्या लिखा है। टू मॉलिक्यूल्स, दो पाइरुवेट। पाइरुवेट एक मॉलिक्यूल होता है, उसमें टूटता है और साथ में क्या निकलते हैं? एटीपी के दो मॉलिक्यूल निकलते हैं। ये स्टेप जिसमें ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट रहा है, इस स्टेप का नाम क्या है बेटा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पाइरुवेट में टूटता है इसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। फिर उसके बाद ये पाइरुवेट कहां जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन को यूज करता है और इसको तोड़ देता है किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और 36 एटीपी में। तो ये वाला स्टेप जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है जिसमें बहुत सारी एनर्जी निकल रही है, वो स्टेप कौन सा है? क्रेब्स साइकिल। तो मैंने आपसे अभी फिर दोबारा सवाल दोहराता हूं। मैंने आपसे कहा आपके आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, तो 120 दिन तक एनर्जी कहां से मिलेगी? अगर आपसे ये सवाल कोई पूछे तो आपको ये बताना है कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये वाला स्टेप नहीं हो सकता। कौन सा? क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है ना, ये नहीं हो सकता। लेकिन कौन सा स्टेप हो सकता है? तो ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी निकल रही है, भले ही कम निकल रही है, निकल तो रही है। इसका मतलब आरबीसी सर्वाइव करता है उस एनर्जी से जो उसको मिलती है कहां से? बात समझ आ गई? सब बच्चों को क्लियर है? भूल जाएंगे कब तक? ठीक है। अच्छा आप सुनिए बेटा, ये तो मैंने आपको बता रहा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है जो एनर्जी देने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। अभी बताओ हमारे एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता है? मैंने कहा यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है बस। आरबीसी हमारे एक सेल में कितने पावर हाउस होते हैं, कितने माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में होते हैं? माइंड जोर से मास चीजें करते, मुझे आवाज नहीं आ रहा ना। डिपेंड अपॉन द एनर्जी रिक्वायरमेंट। हमारे किसी भी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिक्स नहीं है, घटता बढ़ता रहता है उसकी एनर्जी डिमांड पर। क्या मतलब? अगर आप बच्चे रेगुलर बैडमिंटन खेलते हो, लॉन टेनिस खेलते हो, तो आप अपने इस जिस्म की इस मसल को ज्यादा यूज में लाते हो, तो आपके इस मसल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा।
जो रिक्शा पुलर होते हैं अपनी लेग्स की आपकी काफ मसल को यूज करते हैं, तो उनके अंदर रिक्शा पुलर्स के अंदर उनकी लेग की मसल ज्यादा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। आपने देखा हो जो एक बाजार में कहीं पर देखा हो लोहार होते हैं, वो ब्लैक स्मिथ हथौड़ा चलाते हैं, हैमर, तो हैमर चलाते चलाते ये वाली जो मसल्स होती है उनकी वो स्ट्रांग हो जाती है, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होता है। तो आप अपने जिस्म का जो हिस्सा ज्यादा यूज में लाते हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, और अगर आप अपने किसी बॉडी के हिस्से को यूज में लाना बंद कर दें तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर घट भी जाता है। नहीं समझ रहे? अगर आप एक बैडमिंटन लॉन टेनिस प्लेयर है, रोजाना लॉन टेनिस खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, तो आपके एक सेल में सपोज 15 माइटोकॉन्ड्रिया, 15 माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में, सपोज करो आपके आर्म के अंदर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद आपके आर्म पे प्लास्टर कर दिया गया, और प्लास्टर करने के बाद डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया एक मंथ तक, अब आप उसको प्लास्टर के अंदर आपका वो आर्म रहेगा, तो एक महीने तक आपने इस पार्ट को यूज नहीं किया, जब प्लास्टर कर दिया तो ये यूज नहीं कर पाओगे, तो यूज नहीं किया, एक महीने के बाद जब प्लास्टर ओपन होगा आपसे डॉक्टर मूव करने के लिए कहेंगे आर्म को, तो जब आप स्टार्टिंग में मूव करोगे तो स्टार्टिंग में थोड़ा दर्द होगा, पेन होगा, क्यों? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो पहले 15 था हो सकता है वो घटकर 2-3 रह गया, क्योंकि यूज में नहीं आया ना वो पार्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर घटता बढ़ता रहता है आपकी एनर्जी डिमांड पर। समझ आ गई बात? ले रहे? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं आपसे बायोलॉजी में थकने का क्या मतलब है, जब कहते ना आई एम गेटिंग टायर्ड, थकान हो गई, थकने का मतलब साइंस में बायोलॉजी में क्या मतलब होता है? थकान अगर होती है तो आपकी मसल्स में नॉर्मली रेस्पिरेशन कौन सा होता है बच्चों? एरोबिक। लेकिन अगर आपकी बॉडी में जब एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, वर्क ज्यादा करेंगे, तो आपकी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन होने लगेगा? एन एरोबिक। और एन एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से आपकी मसल्स में क्या बनने लगेगा? क्या बनने लगेगा बच्चों? लैक्टिक एसिड बनने लगेगा, और ये लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से आपको थकान होती है, आपको दर्द होता है। देखो सपोज आज आपने बैडमिंटन, आप यूज टू नहीं है, आज आपने बैडमिंटन खेला 1.5 घंटा, आप देखा उसके बाद आपको यहां दर्द शुरू हो जाएगा, यहां पर दर्द स्टार्ट हो जाएगा, या आपने आप साइकिलिंग करने के बाद आपकी काफ मसल में दर्द शुरू हो गया, क्यों? यहां पर लैक्टिक एसिड बन गया, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से दर्द हो गया, लैक्टिक एसिड किस वजह से बना? एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से बना। तो जब आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो फाइनल प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। जब आपकी एनर्जी पूरी नहीं हो पा रही किससे? एरोबिक से, तो आपकी बॉडी में कौन सा रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है? बात समझ आई या नहीं? इधर देखो, आपकी बॉडी में जब एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी एनर्जी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही, तो आपकी बॉडी इमरजेंसी में कौन सा रेस्पिरेशन होने लगता है? एनएरोबिक। जैसे आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर का काम है एनर्जी बैकअप, जब लाइट चली जाती है, पावर कट होता है, तो आपके पास जो बैटरी में एनर्जी आपने स्टोर करी होती है वो एनर्जी आपको मिलने लगती है और आपके घर में लाइट आ जाती है। तो बिल्कुल उसी तरह से सपोज आप फील्ड में दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी मिल सकती थी एरोबिक से वो सारी खत्म हो गई, आपने यूज कर ली, अभी भी और आप चल रहे हैं, अभी आप बहुत वर्क कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आएगी? एनएरोबिक। और लेकिन जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसका एक नुकसान यह है कि बॉडी में क्या बनेगा? सपोज करो आप अपने स्कूल से निकले, वॉक करके आप घर पहुंचे, घर जाने के बाद आप अपनी अम्मी से बोलते हैं कि मुझे थकान हो गई, या बहुत ज्यादा थक गई हूं, या थक गया हूं, घर जाते थकने का मतलब है आपकी मसल में क्या बन गया? आप जाके थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, सो जाते हैं थोड़ी, जब सो के उठते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आपकी वो थकान दूर हो जाती है। क्या मतलब थकान दूर होने का? क्या मतलब? लैक्टिक एसिड कहां चला गया? निकल गया कहां से? हवा में? कहां चला गया? हाँ बेटे बोलो, बहुत शाबाश। उसकी वजह से वाटर
जो तुम्हारी मसल इधर देखो लेग्स में हो या कहीं पर भी लैक्टिक एसिड बनाओ, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं ना, वो रिसाइकल होने के लिए जाता है लिवर में, लिवर उसको रिसाइकल कर लेता है, जो लैक्टिक एसिड है उसको खत्म करने का काम किसका है? लिवर। इसीलिए बच्चों जब किसी इंसान को जॉन्डिस हो जाता है, डॉक्टर सख्ती से मना करते हैं आपको चलना फिरना नहीं है, आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, आपको रेस्ट करना है। क्यों? सोचो अगर किसी इंसान को जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस में कौन सा ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा? लिवर। और वो इंसान चलने फिरने लगे, एक्सरसाइज करने लगे, वॉक करने लगे, बाजार जाने लगे, शॉपिंग करने लगे, सारे काम उसके रूटीन में एज इट इज चल रहे हैं, तो जाहिर है इस फिजिकल वर्क करेगा तो मसल में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा। लैक्टिक एसिड बना तो जाहिर है वो रिसाइकल होने के कहां जाएगा? लिवर। ऑलरेडी प्रॉब्लम में है पहले से, आपने लिवर के ऊपर एक और बोझ बढ़ा दिया, एक और बर्डन बढ़ा दिया, समझ आ रही है बात? तो बहुत ज्यादा फिर फर्दर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं जब आपको खुदा ना खास्ता जॉन्डिस हो तो आपको कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए, चलना फिरना बिल्कुल बंद, एक्सरसाइज बिल्कुल बंद, फिजिकल वर्क बंद, सीढ़ियां चढ़ना बंद, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। समझ आ गई? नहीं आ रही समझ? ये समझ आ रहा? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक, हाँ अब सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेल है जो अपने आप डिवाइड भी कर सकती है, अपना नंबर भी, अभी मैंने कहा नंबर बढ़ा सकती है, तो नंबर बढ़ाने के लिए इसको दो चीजों की जरूरत है, इधर देखो, और दो चीजें चाहिए सेल ऑर्गेनेल को डिवाइड करने के लिए, वो दोनों ही चीजें इसके पास हैं, कौन सी? डीएनए और राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम और डीएनए अपना खुद का होने की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को कैसी ऑर्गेनेल कहा जाता है बच्चों? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल। देखो सबसे ऑटोनोमस जो ऑर्गेनेल है सेल के अंदर वो न्यूक्लियस है, लेकिन ये भी न्यूक्लियस के पास अपना खुद का डीएनए होता है, न्यूक्लियस सबको कंट्रोल करता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होने की वजह से, राइबोसोम होने की वजह से, ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी डिवाइड करने की प्रॉपर्टी अपने पास रखता है। अच्छा अब सोच के मुझे बताना बच्चों, हम सारे इंसान दुनिया में जितने इंसान हैं अपने पेरेंट्स में जेनेटिकली किस पेरेंट्स से ज्यादा करीब हैं, क्लोज हैं, फादर और मदर में? हर इंसान अपने पेरेंट्स में किस पेरेंट्स से ज्यादा क्लोज है और क्यों है? क्यों? फादर ज्यादा काम करने जाते हैं तो वक्त नहीं दे पाते। ये मेरा सवाल था, हर इंसान आप और मैं जेनेटिकली अपने पेरेंट्स में किस पेरेंट से ज्यादा करीब हैं, क्लोज हैं, क्यों? रीजन बोलो बोलो, क्यों? रीजन उनका डीएनए हमारे अंदर ऐसे। तो बेटा आपके अंदर हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें 23 क्रोमोसोम आपके अंदर अम्मी के हैं और 23 क्रोमोसोम पापा के हैं, तो दोनों के क्रोमोसोम बराबर हुए, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग जेनेटिक किस पेरेंट से ज्यादा क्लोज हैं, क्यों? इधर देखो, इसका आंसर देखो, ये मदर का एग होता है, मदर का एग है, इसमें न्यूक्लियस है, इसमें डीएनए होता है, ये मदर का माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर भी डीएनए है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी सारी ऑर्गेनेल। ये फादर का ये क्या है मेरे बच्चों? क्या है? फादर का ये स्पर्म है। ये जो फादर का स्पर्म है इसके अंदर ये वाला पार्ट कौन सा कहलाता है? हेड। हेड में कौन सी ऑर्गेनेल होती है बच्चों? न्यूक्लियस। ये वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस के अंदर होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो जाहिर है डीएनए यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए। सुनो, जब स्पर्म अप्रोच करता है मदर के एग को, तो देखो ध्यान से, ये मदर के एग को वॉल पर डाइजेस्ट करेगा और एंटर होगा, लेकिन स्पर्म जब एंटर होता है, इंटरेस्टिंग बात देखो क्या हुआ है, बस क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन होता है एग का, फर्टिलाइजेशन जब स्पर्म से होता है तो कौन सा पार्ट एंटर हुआ था?
हेड पार्ट, हेड पार्ट का मतलब सिर्फ फादर के स्पर्म का न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जाके फ्यूज हो जाएगा किसके साथ, मदर के न्यूक्लियस के साथ, मदर के न्यूक्लियस के साथ फादर का और मदर का दोनों का डीएनए फ्यूज हो गया, ये क्या बन गया, जाइगोट। तो जाइगोट बनने में फादर के स्पर्म का कौन सा हिस्सा एंटर हुआ है, न्यूक्लियस और हेड ओनली, इसका मतलब मिडिल पीस और टेल बाहर रह गई। अब ये बताओ इस जाइगोट से डिवाइड करके जो एम्ब्रियो बनेगा, जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किसका होगा बच्चों, मदर का। आप सब के अंदर और मेरे अंदर, हम सब के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया किसका है, तो इसलिए ज्यादा डीएनए हमारे अंदर किसका हुआ, मदर का। इसलिए हर इंसान दुनिया में ज्यादा क्लोज अपनी कौन से पेरेंट से है, बात समझ आई नहीं आई, समझ पक्का समझ आ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक काम एनर्जी के अलावा दूसरा काम क्या है, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना, डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है ना, पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर को ट्रांसमिट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, डीएनए। और डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम जब फादर, अच्छा मदर से कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं तो इसके लिए टर्म होते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं, इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बेटा, बात समझ आ गई। दुनिया का हर इंसान जेनेटिकली अपने पेरेंट में किस पेरेंट से ज्यादा क्लोज है, अगर पूछें क्यों, क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस के अलावा हमारे हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया किसका है, मदर का। इसलिए मदर का माइटोकॉन्ड्रिया होने की वजह से हमारे अंदर डीएनए ज्यादा, न्यूक्लियस का डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए मिलाकर ज्यादा डीएनए किसकी तरफ से आया है, मदर का। इसको कहते हैं मेटरनल इनहेरिटेंस। मेरे बच्चों को समझ भी आ रहा है, आगे सुनो, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर मैंने आपसे कहा फिक्स नहीं, घटता बढ़ता रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होने की वजह से उसको क्या कहते हैं, समझ आ गई बात, क्लियर है सब बच्चों को। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्पी मैट्रिक्स, नेकेड डीएनए, सब ये डायग्राम भी एग्जाम में आपको बनाने को आ सकता है मेरे बच्चों। और इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स कि डायग्राम जब भी एग्जाम में बनाना, डायग्राम शुड मस्ट बी ड्रॉन विद पेंसिल, डायग्राम कभी भी पेन से ड्रॉ नहीं करते, हमेशा डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, और सारे लेबल्स एक राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, सारी लेबलिंग राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए, क्लियर हो गई बात। किसी को कोई सवाल पूछना है, ओके बस एक दो मिनट और, ये बताओ इसका नाम सुना है किसी ने, प्लास्टिक्स। प्लास्टिक भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जो किसमें होते हैं सर, यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक में खासतौर पे प्लांट सेल। आप सुने ये बताएं आप बच्चे, आप मटन खाते हैं, फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये जितने भी नॉन वेज आइटम्स हैं इनके अंदर अच्छी मात्रा में फैट, चर्बी होती है, प्रोटीन होता है। क्या पौधों में, सब्जियों में भी चर्बी होती है या फैट होता है? हम चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, मटन खाते हैं, एग खाते हैं, उसमें प्रोटीन के साथ साथ चर्बी यानी फैट होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या पौधों में, प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में चर्बी होती है? होती है या नहीं? फैट होता है, होता है, होता है, होता है या नहीं, बोलो। कुछ ऐसे बोल रहे हैं, कुछ ऐसे बोल रहे हैं, हाँ समझू या ना समझू, ना माही बताओ बताओ, बोलो बेटे, कुछ भी बोलिए जो आपको मन आ रहा बोलिए, होता है नहीं होता, होता है। डॉक्टर साहब आप बताए जी बेटे,
बेटा आप सब बच्चों के घर में आपकी अम्मी खाना किसने बनाती है, जरा मुझे बताइए कौन सा फैट यूज करती है? आपके घर में आपकी अम्मी खाना कौन से फैट में बनाती हैं? ऑयल में। वो ऑयल बकरे से आता है, फिश से आता हो, चिकन से आता है, प्लांट से आता है ना, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है, सफोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सारे ऑयल्स आ रहे हैं ना, ये सारा फैट कहां से आ रहा है? प्लांट्स में। तो प्लांट्स के अंदर वो फैट स्टोर होता है कहां पर? प्लास्टिड्स में। और प्लास्टिड में वो कौन से प्लास्टिड होते हैं वो बताऊंगा, उसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। मेरे बच्चों प्लास्टिड्स को प्लांट्स में हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कौन सा? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरो का मतलब जहां पर भी क्लोरो वर्ड सुनो, क्लोरो का मतलब ग्रीन। ग्रीन वाला प्लास्टिड जो है इसको आमतौर पर किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है। किचन या फूड फैक्ट्री, खाना बनाने का जो काम है वो इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस करने का काम क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मेरी बात कुछ बच्चों को समझ आ रही है? क्लोरोप्लास्ट को किचन भी कहा जाता है या फूड फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने का काम, खाना बनाने का काम इसी ऑर्गेनेल में होता है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। क्रोम, क्रोम का मतलब होता है कलर। प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड, एक ऐसा प्लास्टिड जो किसी प्लांट सेल को कलर देता हो वो क्रोमोप्लास्ट। टमाटर देखा, टमाटर चुकंदर जानकर, इसमें जो कलर्स होते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। तो प्लांट सेल को कलर देने वाले प्लास्टिक क्रोमोप्लास्ट होते हैं। और ये वाले प्लास्टिक कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिक ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। इनका काम क्या है? खाना स्टोर करना। आलू के अंदर, आलू पोटैटो के अंदर स्टार्च स्टोर होता है, कुछ में फैट स्टोर होता है, कुछ में प्रोटीन स्टोर होता है। वो सारा काम कौन करता है? समझ आ रही है बात? तो मेरे बच्चों आज बस इतना ही रखते हैं।